But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Sera hit Gelyani रोपणी कुदीनेगी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ हिमांशु कलोड़ा। और रोपाई का सीजन नहीं कह सकते आप, रोपाई का टाइम शुरू हो चुका है। और ज्यादा नहीं होती है, हमारे जो गांव के नीचे सेरा है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन की रोपाई होती है, फिर कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमारा है टन और खेत में पानी पड़ चुका है, सुबह के 4 बज रहे। इसी के साथ आप सभी को सुप्रभात। चली बे बलदों की जोड़ी पोंगड़ियों मा, चल चल चलो जी नंदी महाराज, बस लात मत ठोकना मेरी, चल। तो सुबह के 8:30 हो गए हैं टाइम, और सारे कारीगर जिन्हें बोलते हैं किसान, अपने भाई, चाचा, बड़े, ताऊ, पापा, भैया, सभी लोग खेतों में हैं। और सामने ये सुंदर सा हमारे मकान, और ये देख लीजिए आप, अभी इतने सेरा जिसे बोलते हैं, इतने खेत बचे हुए हैं, और यहाँ से ऊपर लगभग पूरी रोपाई कंप्लीट हो चुकी है। ये है हमारा छोटा सा खेत, यहाँ पे अभी भैया हल लगा रहे हैं, पापा बिट्टा लगा रहे हैं। बिट्टा अगर आपको पता ना हो तो ये जिन्हें ये लगा रहे हैं, फिर से इसमें मिट्टी की लिपाई कर रहे हैं, और इन्हें कहते हैं धान की पोत रोपने के लिए। और ये दूसरे खेत से निकाल के अब इधर रोपा जाएगा। रहूं नाज लेने, जैसे कि दीदी लेके आ रही है, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें ये हम कहां से लेके आ रहे हैं। मेरे दरियो तो मौसम भी देख सकते हो आप, पूरा खराब हो रखा है। हल्की बूंदाबांदी आई थी, लेकिन गांव में एक दो समस्याएं और हो जाती है। एक सबसे हमारी जो नहर है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, पिपलोगी से, जो यहाँ के लोकल बंदे होंगे लमगांव प्रतापनगर साइड के, उन्हें पता होगा, पिपलोगी से सियालगी का रूट लगभग नहर का अराउंड 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, और उतनी डिस्टेंस से पानी लेके आना है इधर। तो बीच बीच में बहुत सारे सेरे पड़ते हैं, तो कोई ना कोई लोग तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सबसे दूर में है, तो यहाँ पानी आते वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कभी कोई तोड़ देता तो पानी पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए अभी तक हमारी रोपाई कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं तो अभी तक हमारी लगभग 12 बजे तक हमारी रोपाई कंप्लीट हो जानी थी। फिर भी हमारे लिए कल के लिए एक खेत बचा हुआ है, वो कल लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले भोजन किया था, अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर हमारा गाँव है, और ये हमारा पुल, और यहाँ पे हमारी नदी पड़ जाती है। तो मैं इस रूट पे आया हूँ, यहाँ यहाँ का नाम कहते हैं एकरी, और यहाँ हमने अपने बिन्ने निकाल के, जहाँ से हम नाच ले जा रहे हैं, यानी धान की पौध लेके जा रहे हैं, जिसे हमने खेतों में रोपनी है थोड़ी देर में, वो आपको वो वाला सीन भी दिखाऊंगा। मम्मी और दीदी जा चुकी है, एक दीदी चली गई है लेके, और मेरे पास है कट्टा, तो मैं भी लेके जाता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास ये है, ये ऐसे देख सकते हो तुम, ये है धान की नाज की, पहाड़ों में बोले तो नाज का पुआ, और इसे मैं कट्टे पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो पीठ पे डालते हैं ना घीड़ा, हमारे यहाँ घीड़ा कहते हैं उसके लिए, उसकी मुझे आदत है नहीं, कभी लगाया नहीं है, तो कंधे पे ले जाने की आदत है, इसलिए कट्टे पे लेके जा रहा हूँ। ये आप देखिए, और फिर बताइए पहाड़ों के काम कितने हार्ड होते हैं। शहर के लड़के मेरे ख्याल से शायद ही कर पाए कभी, और कभी उन्हें अगर खेत में लेके आता हूँ ना कभी किसी को, तो दूसरे दिन भाग जाती है, तो वो सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए आता है, फ़ोटो जिनके बोलते हैं ना, लेकिन हम सीधे पहाड़ से। तो शाम के 4 बज चुके हैं, और बारिश भी रुमझुम गिरने लगी है, देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे अभी 2 जोड़ी बैल खेतों में है, एक उधर और एक इधर, और मैं आपको बताता हूँ रोपाई कितने हैं बारिश में भी खेत में, इस खेत में, इसके ऊपर वाले खेत में, इस खेत में, इधर वाले खेत में, बाकी पूरी रोपाई कम्प्लीट। और बारिश हो रही है झनाझन एकदम, और हालातों के हाल आप चेक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। बस खेत भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद निकलते हैं अब घर। बारिश में भीगने का मज़ा भी अलग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू। फिलहाल हम लेते हैं बारिश के मजे और आप लोग वीडियो के मजे। तो पहाड़ों में ऐसी होती है मेहनत, फिर दिखाऊंगा आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में पहाड़ों का सीन।